मैं इस चीज को जो है स्वीकार करता हूं कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर आम आदमी पार्टी जो है बहुत कुछ कमाल नहीं कर पाई है। हालांकि उनका वोट परसेंटेज वहां भी देखा जाए तो उनको एक वोट मिला है, हालांकि सीट उनको कोई नहीं आई है कहीं पर भी, और जो है उनके प्रत्याशी लीडिंग रोल में भी नहीं रहे हैं। हाँ लेकिन हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय से लगातार चुनाव लड़ रही है, फिर दिल्ली विधानसभा में क्या ऐसा हाँ होता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वहां पर मत नहीं मिलता? मत क्या, मैं कहूँ बहुमत से भी वो बहुत ज्यादा दूर रह जाती है। 3 सीट 7 सीट आना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा सही है, ये स्वीकार करते हैं हम कि जब शीला दीक्षित की सरकार कांग्रेस की थी वहां पे, और उसके बाद हम लोगों ने वहां पे चुनाव लड़ा था, 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी, 28 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन किसी अवस्था में दोनों में से कोई भी सरकार बनाने के लिए एक अपना वो जादुई आंकड़ा 35 से प्लस वाली सीटें तो नहीं कर पाया था, पुनः चुनाव हुआ था और हम वहां पे 33 से 3 सीटों पे आई थी, नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो गलतियां करती है उनका री उन्हें अध्ययन करती है पुनः से, और वो बिल्कुल हम सुधार के और अपनी गलतियों को ठीक करके पुनः हम दिल्ली के सामने भारतीय जनता पार्टी ले अपने प्रत्याशियों को लेके खड़ी होगी, और डंके की चोट पे इस बार वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी सत्ता को स्थापित करेगी, अपने एक सुशासित शासन को स्थापित करके दिल्ली को सुव्यवस्थित संचालित करेगी इस बार। बिल्कुल जो है जिस प्रकार से अभी दिल्ली में चल रहा है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं कटाक्ष चल रहे हैं बहुत तेजी से। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो लगातार जो है आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं, और जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं वो लगातार जो है कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं जो भरत, फायदे की एक चर्चा चीज वहां अगर पर। मेरी आवाज जा रही है, भरत एक चीज जी और मैं जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर, जो आम आदमी पार्टी की हम बात करें और जो हम बात करें अगर इसी आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हैं, केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल के खिलाफ जिस प्रकार से एक बड़ा चेहरा है प्रवेश वर्मा, प्रवेश वर्मा को जो उतारने की तैयारी है, अगर ये खबरें सही होती हैं, मुझे लगता है कि जहां तक है भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द जो अपने पहली लिस्ट है कैंडिडेट की वो रखने वाली है, जिससे जो चुनाव में, हालांकि जो मौसम है दिल्ली का वहां पे जो ठंडी है, ठंडी हवाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन अगर इलेक्शन का देखें तो इलेक्शन के मौसम की वजह से जो चुनावी गर्माहट है वो मुझे लगता है और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रवेश वर्मा को सामने लाने की तैयारी में है, वहीं जो मीनाक्षी लेखी पूर्व केंद्रीय मंत्री वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और एक से बढ़ के एक जो दिग्गज नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी को, उनको भारतीय जनता पार्टी जो घेर रही है, तो क्या लगता है इससे जो चुनाव में है क्या आम आदमी पार्टी को अपनी जो केजरीवाल है उनको अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है? क्या कुछ आपको क्या लगता है कि जो बड़ा चेहरा है वो किस प्रकार से कमाल दिखा पाएंगे, और जिस प्रकार से केजरीवाल जगह जगह जाकर के रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी अब वो केजरीवाल को एक जगह पे फोकस करने की कोशिश होगी और घेरने की कोशिश की जा रही है। तो इन बड़े चेहरों को भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में लाना कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि अगर देखेंगे आप मध्य प्रदेश में जब शुरुआती कंडीशन भारतीय जनता पार्टी की जब चुनाव हुआ था उस समय पे ऐसा लग रहा था कि जो भी पोल्स आ रहे थे, जो भी चीजें हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं लग रहा था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े बड़े चेहरों को, बहुत सारे जो कैबिनेट थे, हम प्रहलाद पटेल का उदाहरण ले लेते हैं, उनको मैदान पे भारतीय जनता पार्टी लाई थी और इसका जो फायदा है वो चुनाव में देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश वाली जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आजमाने जा रही है। तो इससे क्या लगता है कि जो कहानी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बदली थी,
दिल्ली में भी ऐसा होगा, या फिर जो दिल्ली है वो देश का हृदय है, वहां पे इनका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्या कहेंगे भरत? बिल्कुल सत्येंद्र, जो आपने आखिरी में कहा है, मैं कहीं ना कहीं यही मानकर चल रहा हूँ कि कहूंगा कि जो है दिल्ली में इन चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। हालांकि चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी स्वयं की सीट, हालांकि मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि नहीं हरा पाएंगे, हरा पाना लेकिन आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, उनके क्योंकि सांसद। आप देखेंगे बिल्कुल, अगर जो आपने बात कही जो स्वयं की सीट या मुख्यमंत्री सीट की हम बात करें, अगर हम ताजा उदाहरण ले लें, कुछ समय पहले जो चुनाव हुआ था वेस्ट बंगाल में, जहां से ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने बहुत जोरदार पटकनी दी थी, वही अगर हम बात करें खुद जो केजरीवाल है, जब ये चुनाव लड़े थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो दिल्ली की थी कांग्रेस पार्टी से, उनको केजरीवाल ने खुद पचकनी दी थी। तो कई बार ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनको बहुत जोर का झटका लगता है। अगर अभी ताजा उदाहरण आप ले लें तो आप देखेंगे कि जो डिप्टी सीएम रहे कभी झारखंड के सुदेश महतो, जिनको अपनी सीट खुद गंवानी पड़ गई थी क्योंकि समीकरण उनके पक्ष में नहीं थे,